हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल वेज किचन तड़का में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्प्राउट्स, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। स्प्राउट्स बनाने सबको मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चने लिए हैं और आधी कटोरी ही मूँग की दाल ली है। सबसे पहले इनको दोनों को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इनको 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे। इनको अच्छे से भिगोना है कि पानी ऊपर तक रहे। चार पाँच घंटे के लिए हम इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, 4-5 घंटे के बाद ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हमने नीचे पैन रखे, ऊपर एक छलनी रखी है। अब हम इसको पानी सारा निकाल देंगे। मैंने दोनों को छान लिया है। अब मैंने एक टोकरी ले ली है जिसमें हम सब्जियां वगैरह धोते हैं ना, बास्केट जो होती है, उसमें इसको डाल दिया है। और इसके नीचे एक स्टैंड रख दिया हुआ, और इसमें प्लेट लगा के इसको हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे। मैं तो इसको किचन ड्रॉर में रख रही हूँ। अब हम चने को भी ऐसे पानी निकाल लेंगे। जो किचन के हमारे पोने होते हैं ना, जो रोटियाँ जिसमें रखते हैं, उसमें इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से लपेट के, और हम प्लास्टिक का मैंने एक कंटेनर लिया है, डब्बा लिया है, उसमें रख देंगे। और इसको भी बंद करके किचन ड्रॉर में रख देंगे। सुबह देखिए मैंने निकाला है इनको, और देखिए कितने अच्छे से हुए। रात को रखा था मैंने और सुबह निकाल के देखा, देखो कितने अच्छे से हो गए हैं। वाह, कितने बढ़िया स्प्राउट्स आ गए हैं हमारे। अब हम चने भी देख लेते हैं। देखा, चने के भी आ गए हैं स्प्राउट्स। अब हम इसको एक बार पानी में निकाल के ऐसे फिर ऐसे ही रख देंगे जैसे हमने पहले रखा था। फिर इसी तरह रख देंगे, बस इनको गीला कर लेंगे। और उसी दिन शाम को मैंने देखा, ये देखिए कितने अच्छे से स्प्राउट्स बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप इससे भी बड़े चाहते हो तो आप ऐसे ही इसी तरह धो के रख दें और सुबह इसको देखेंगे, इससे भी बढ़िया स्प्राउट्स आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरी स्प्राउट्स बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखा आपने कितना ईजी है स्प्राउट्स बनाना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के।